बहनों और भाइयों, आप सभी के लिए विशेष सूचना है। पहली सूचना, रिजॉर्ट में पहुंचकर सभी लोगों को सावधानी पूर्वक अंतःकरण से पूरे मन से मजे करना है। दूसरी सूचना, हम सभी को मजे करना है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण सूचना, रिसोर्ट में पहुंचकर मजे करना है। बराबर बोले मेहता साहब, पूरे साल घर में थे तो अब रिसोर्ट में जाके मजे करेंगे। साल भर बहुत भोगी है सजा, बोले मामा मामा साल पर बहुत भोगी है सजा, अब भी नहीं करेंगे मजा। चलो चलो शुरू करते सफर। सफर शुरू करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण काम होता है नारियल फोड़ना, वो फोड़ने के बाद ही सफर शुरू होगा, ठीक है? अरे वाह 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 वाह, लौकर ओ नासिर भाई, वो गड्डी स्टार्ट कर यार। चला हो गया हो गया हो गया। आपको बैठना था तो बोलना चाहिए ना। अरे गोया, झटके से बस शुरू, इसलिए मैं ऐसा हुआ ना मुझे। पता है विड़ंकर, आप ठीक तो? ओ नासिर भाई। हाँ बोलिए। अरे बस शुरू करे तो बताओ तो सही, पहले क्या कर रहे थे आप? नहीं नहीं मैं ब्रेक चेक कर रहा था। हाँ तो ठीक है ना? नहीं नहीं थोड़ी गड़बड़ है। ओ सॉरी, क्या बोल रहे हैं ये? अरे पिरू, अरे बरसात का मौसम है, वो बरसात के मौसम में अक्सर ब्रेक पैड और ड्रम के बीच में मॉइस्चर आ जाने की वजह से ऐसे झटके लगते हैं। थोड़ी देर गड्डी चलेगी ना तो मक्खन की तरह स्मूथ हो जाएगी। अरे तो ऐसी गड्डी बुक ही क्यों की तुमने? ओए पिरू, लास्ट मोमेंट में तूने गड्डी मांगी, ये गड्डी अवेलेबल थी तो मैंने बुक कर ली, और तुझे रिपेयर कराना है तो 2-3 घंटे लगेंगे, बोल करवाना? नहीं 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 भाई, नहीं नहीं ठीक है, लेकिन ये पहुंचा देंगे ना? ये मेरी गारंटी है, सबको पहुंचा दूंगा। अरे भाई रिसोर्ट पहुंचा देगा। अच्छा क्या नासिर भाई, अभी 1 मिनट रुकना। ओके सर। चला बोला गणपति बाप्पा। आज तेरा क्या इरादा है? रिसोर्ट तक किसी की गोद में बैठकर सफर करना? अरे नहीं मेहता साहब, ये बार बार झटके दे रहे हैं ना नासिर भाई, उसमें ऐसा हो रहा है। पर गिर तो तू ही रहा है ना यार, कभी उस गोद में कभी इस गोद में। जेठिया, ए जेठिया, ए जेठिया, टप्पू के पापा। भैया सोने देना। टप्पू के पापा उठिए। ए भाईड़ी सुवा दे। अरे पप्पू जी, आप? हाँ मैं। और आप इतने जल्दी क्यों जाके? हम रिजॉर्ट में, यहाँ तो आराम करने दीजिए, आराम कीजिए। ए रिजॉर्ट वाली भूल गया, मीटिंग में जाना है ना। हाँ चल फटाफट ना के तैयार हो जा। अरे वहाँ कहाँ जा रहा है? बाथरूम यहाँ है। नहीं नहीं, बागा को जगाने जा रहे हैं। क्या कर रहा है बाघा? शिव जी मैं आपको जगाने आ रहा था। अरे मैं कब का जाग गया हूँ? चल चल फटाफट तैयार हो जाए, हमें मीटिंग के लिए जाना। शिव जी मैं तो कब का तैयार हो गया, सुबह मस्त ना कर पूजा पाठ करके, नटू काका को वीडियो कॉल में पैर पड़ के, बावरी जी के साथ फोन पे बात करके, टॉय ट्रेन में एक चक्कर काट के, लेक पे बोटिंग करके कब का आ भी गया। ये सब कर लिया तूने सुबह सुबह? तो कितने बजे जाग गया था तू आज? सेठ जी मैं तो कब का जाग गया हूँ, बड़े सयाने कह के गए हैं ना,
रात्रे वेल्ला जे सुए वेल्ला उठे वीर, बड़ बुद्धि ने धन मरे सुख में रहे शरीर। वाह शाबाश शाबाश, जा 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 तैयार हो जा। एक मिनट, अरे भाई वो मैनेजर को बोल के वो टैक्सी बुक कर दे। कर दी, जा 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 फटाफट तैयार हो जा। कोमल थोड़ी भूख सी लग रही है, कुछ नाश्ता हो जाए। हाँ हाथी भाई, मैं पूना की बाकर बड़ी लाई हूँ साथ में, मस्त में की सबको देती हूँ। अरे वाह दीजिए ना। हाँ दे दो मेरे वो पहले का। हाँ अया डब्बा कुठे गेला वो बाकर बड़ी का डब्बा? तो एक्चुअली माधवी आंटी वो डब्बा मेरे पास है। बेबी ओया डब्बा तुम्हारे पास कैसे आया? मैंने सोनू से पहले से ही ये डब्बे के बारे में बात कर ली थी। हाय। अरे कांकू माधुरी आंटी माकरवाड़ी सुपर्ब है। मुझे थैंक यू बोल। कांकू रोनू। हाँ अभी तुम्हारा मजा लेके हो गया ना, सबको मजे लेने दो। नहीं नहीं भीड़ अंकल, ये डब्बा सिर्फ मेरे लिए, मैं किसी को नहीं दूंगा। कोमल भाभी अम्मा बोली तू खा बेटा, मेरे पास दूसरा डिब्बा है ना। कमाल करती हूँ घूमने फिरने निकले, उसमें भी पाबंदी लगा रही हो तो। कहीं जो कुछ भी हो मैं आपके हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँ। अरे कॉम्प्रोमाइज क्या कर पानी अंजलि, तुम कमाल। स्टॉप आर्ग्यूइंग। बात आर्ग्यूमेंट की है नहीं अंजलि, हमारी बात हुई थी कि इन दो दिनों में तुम मुझे खाने पीने के लिए टोकोगी नहीं। इतने सीरियस क्यों हो रहे हैं, मैं मजाक कर रही हूं। अरे ऐसा स्वाद दुखाने वाला मजाक मत किया करो। ओए मेहता साहब, भाई कहावत तो दिल दुआने वाली होती है ना। अरे कहावत लोगों के लिए होती है, छोड़िए मेरे स्वाद के जज्बात का सवाल है, मेरे साथ जो भी होता है स्वाद दुखाने वाला ही होता है। ओ फो खाली चक्कर। समोसा समोसा गर्मा गर्म समोसे, यम्मीलिशियस गर्मा गर्म समोसे ऑन बिहाफ ऑफ हैप्पी फैमिली। कोमल समोसे तो बहुत ही बढ़िया बने हैं। थैंक यू कोमल भाभी, मुझे स्टफिंग की रेसिपी देना। श्योर। अरे ये क्या बातें हो रही है, चारों तरफ लगा झूठ का मेला ही है, रेसिपी लेके क्या करेंगे, खिलाना तो करेला ही है। अरे वाह क्या बात है कोमल भाभी। थैंक यू थैंक यू एवरीवन। अच्छा सब अपने प्लेट्स अपने हाथ में ही रखिए, मैंने भी कुछ बनाया है, ATM स्पेशल सैलेड सैंडविच, मेरी नई रेसिपी है। मेरे को तो बिल्कुल भूख नहीं अंजलि, मैं इतना याद बहुत खा लिया। अच्छा कोई और खाएगा? अंजलि आंटी मैं चला लूंगा, दे दीजिए। थैंक यू टप्पू लो। हाँ थैंक यू पिंकू, ये देखिए आंटी हम लोग शेयर कर। हाँ शेयर कर लेंगे, डोंट वरी। अच्छा कैसा लगा? अंजलि आंटी सैंडविच बहुत अच्छी है, यम है। मेरी स्पेशल रेसिपी है, इसमें मैंने न्यू और सैंडविच मसाला भी डाला है। सच में बहुत बढ़िया है, थैंक यू। खाइए खाइए। अंजलि मम्मी बहुत टेस्टी है। थैंक यू। चलो एक मैं भी खाई लेता हूँ। पर आपको तो भूख नहीं थी ना, खत्म हो गया, सॉरी। खाइए खाइए। अच्छा मसाला थोड़ा अलग है। अल्लाह गुल्ला हो
वाह वाह मेहता साहब, दिल खुश कर देता। सफर की शुरुआत धूम धड़ाके के साथ हुई है। अब ये सोचो कि आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा है? धमाल और मस्ती होगी। अच्छा बीड़े अंकल, मेरे लिस्ट के मुताबिक जो पहला ढाबा है ना वो थोड़ी देर में आएगा, वो मैप में दिखा रहा है, तो हम लोग रुकेंगे ना? नहीं। ओ भिड़ू, मस्त आइडिया है यार, वहीं पार्टी शार्टी कर लेंगे। क्या? हाँ। सॉरी भाई, पार्टी शार्टी मतलब? फैमिली के साथ जा रहे हैं क्या? पार्टी शार्टी वगैरह? मुझे क्या बोल रही है, मैंने थोड़ी बोला है, सोड़ी ने बोला है। सोड़ी भाई, रोशन भाभी को फोन करके इसका अपडेट दूं? नहीं नहीं कोमल भाभी, आपने तो शब्द पकड़ लिया, मैं तो कोल्ड ड्रिंक की पार्टी शार्टी कह रहा था। अरे वाह। हाँ, अरे अंजलि तुम्हें गलत फहमी हुई है, कोई पार्टी शार्टी वाली बात नहीं है। गलत फहमी नहीं हुई है, बोला था उन्होंने। खबरदार इसको बारे में सोच। फोन आया, फोन आया, पोपटलाल का फोन आ गया, पोपटलाल का फोन। अरे वाह कमाल है। हाँ बोलो चमनलाल जी। अरे अरे भेड़े, पोपटलाल बोल रहा हूँ। हाँ चमनलाल जी, आपकी आवाज आ रही है। अरे चमनलाल नहीं, पोपटलाल बोल रहा हूँ। शायद कोई क्रॉस कनेक्शन हो गया है। चमनलाल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे कोई क्रॉस कनेक्शन नहीं हुआ, भेड़े मजाक मत कर, कहाँ पहुंचे? फोन कट गया, टूटा तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, काट दिया। आप बोलो बोलो पोपटलाल। भेड़े तूने मेरा फोन क्यों काटा? अरे काटा नहीं भाई, वो गिर गया था तो कट हो गया। अच्छा अच्छा कहाँ पहुंचे ये बता। हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। अरे वाह, कहाँ? दहिसर चेक नगा। गोरेगांव से दहिसर ही पहुंचे और बोल रहे बहुत आगे आ गए। हाँ भाई आ रहे हैं, टेंशन मत लो, हम लोग आ रहे भाई। अरे जल्दी आओ भाई, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। अरे आ रहे भाई पोपटलाल, हम बस में आ रहे हैं, हवाई जहाज में थोड़ी आ रहे। तो हवाई जहाज से आना चाहिए था भाई, तो मेरा मतलब है वक्त पे निकलना चाहिए था। पोपटलाल वक्त पर ही निकले यार भाई, इतने सारे लोगों को लेकर निकलना था ना। तो सबको साथ में लेके आना था तो तू क्या एक एक जन के घर पे जाके उनका हाथ पकड़ के उनको लेके आया? सबको एक टाइम दे देता तो सब लोग आ जाते। पोपटलाल तुम टेंशन मत लो, हम लोग पहुंच जाएंगे रंग तरंग रिजॉर्ट। हाँ लेकिन जितना टाइम लगने वाला उतना तो लगने ही वाला है भाई। अच्छा भेड़े, पार्टी शार्टी की तैयारी हो गई? सब तैयारी हो चुकी है, टेंशन मत ले भाई, सब है, लाए हम लोग, किसी को भूख लगी तो खाना भी है हमारे पास। हाँ टेंशन मत लो। समझ गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हाँ ठीक है भाई ठीक है, टेंशन मत लो। हाँ पहुँच रहे पहुँच रहे। ये पोपटलाल भी है ना मेहता साहब? मेहता साहब। हाँ मैं ये बोल रहा था, ये पोपटलाल भी ना जब तक हम लोग पहुँचेंगे ना तब तक शांति नहीं मिलेगी उसे। बाबा हम सब पोपट अंकल से इतने दिनों बाद मिल रहे हैं तो वो एक्साइटेड तो होंगे ही ना। स्वाभाविक है, इंतजार तो हो गया ना यार। मैंने इंटरनेट पे देखा है कि रिजॉर्ट बहुत बड़ा है, हमें बहुत मजा आने वाला है। अजी पकड़ा पकड़ी भी खेलेंगे। सबसे ज्यादा मजा तो तब आएगा जब छुपा छुपी खेलेंगे इतने बड़े रिजॉर्ट में। मैं तो बोल रहा डब्बा स्पाइस भी खेल लेंगे। अरे काय डब्बा स्पाइस, छुपा छुपी बच्चे थोड़ी हम। बड़े बच्चे नहीं हो तो बच्चे बन जाओ दोस्त, बाहर घूमने निकले हो तो बच्चे बन के घूमो तो ज्यादा मजा आएगा। ये तुम्हारे भीतर का शिक्षक थोड़ी देर मुंबई में छोड़ दो। सही बात है। करेक्ट है। भिड़ंकाल बस रुकिए। क्या हुआ बेबी? क्या हुआ गोली? जल्दी 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 जल्दी। अभी बस क्यों रोकनी है तुम्हें? भेड़ अंकल बाहर वो ककड़ी का ठेला गया, मुझे ककड़ी खानी है, प्लीज बस रोकिए ना। अरे गिल्लस, नाश्ता किया ना तुमने इतना? नहीं भेड़ अंकल, वो अभी क्या है, वो ककड़ी ने मुझे देख लिया ना। अरे भेड़े बच्चों को खाने पीने के लिए नहीं रोकना चाहिए, और गोली जैसे बच्चे को तो कतई नहीं रोकना चाहिए भाई। कहाँ रोज रोज निकलते हैं ऐसे घूमने फिरने यार, चलो जाओ बच्चों के साथ, क्या दिक्कत है? भिड़े भाई प्लीज। भिड़े मास्टर बस रोको ना, वो क्या है मुझे भी ककड़ी खाने का बड़ा मन कर रहा है ना बाबा। हाँ आप थांबायलाच पाहिजे। थैंक यू। ओ नासिर भाई बस रोको, साइड में जाओ भाई, साइड में जाओ। लेकिन तुम लोग के साथ मैं भी उतरने वाला हूँ, भावताल में ही करूंगा, तिकड़े कोणी क्या बोला नहीं। कल अरे उतर ना मैं।
अरे दौड़ो मत, दौड़ो बस, दौड़िया सबको बोलो। आम ककड़ी, वाह मजा आ गया। ए, ए, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। बोलो सब क्या दो? मुझे दो तीन ककड़ी और दो तीन कैरी दे दो। बोली मीना, ये काय दे दो, ले भावताल तो करने दो मुझे गोळ्या। हाँ कैसे दिए? 20 का एक ककड़ी और 50 का एक कैरी। दे दो, इतना महंगा? अरे महंगा कहा है साहब, यही भाव है। अरे हमारे मुंबई में तो 50 रुपए किलो ककड़ी मिलती है, तुम 20 की एक बेच रहे हो यहाँ पे। अरे साहब वो मुंबई का भाव है, ये हैवे का भाव है। हाँ बराबर है, बराबर। क्या बराबर है, महंगा है यहाँ पे गोळ्या। आगे से ही लेते चलो। मीडियम कर, आगे नहीं मिला तो नहीं, यही से खरीदना है। अरे गुड़िया बहुत महंगा दे रहा है, आगे मिल जाएगा कहीं? आगे नहीं मिलेगा बीड़े अंकल। हाँ बीड़े अंकल प्लीज ले लो ना, हम लोग का महंगा हो गया, प्लीज बीड़े अंकल। बाबा मुझे भी खाने का बहुत मन है, प्लीज ले लो ना। हाँ ठीक है भाई, 5 ककड़ी दे दो। है तो बाकी सबके लिए? ये सबके लिए ले रहा हूँ मैं। नहीं ये मेरे लिए है। तू बाकी 5 ककड़ी खाओगे? 5 ही तो है बीड़े अंकल। अरे ठीक है, 3 इसके और 1, 2, 3, 4 टोटल 7 दे देना। अरे बिड़ंकल जो बस में उनके लिए भी तो ले लो। ठीक है 5 ऐड करना और टोटल 12 देना। बिड़ंकल कम पड़ेगी, ज्यादा ले लेते। अरे शेयरिंग कर लेंगे ना टप्पू, कर लेंगे शेयरिंग। आप 12 दे दो, अभी 12 के हिसाब से होता है 240, तो ये 200 रुपए ले लो। क्या साहब 40 रुपए कम कर रहे हो आप। ठीक है 220 ले लो, तुम भी क्या याद रखोगे। क्या साहब आप मॉल में जाते हो तो भावताल करते हो, वहाँ जो भाव लिखा होता है वही भाव देते हो ना। ठीक है तो एक काम करो 250 रखो। हाँ ठीक है ये मैं ले लो, चलेगा 10 रुपए। ठीक है सर। हेलो हमारे पूटा दुखे लेते हैं। चलो नासिर भाई दाव दे। सॉरी सॉरी अब्दुल सॉरी, ठीक तो हो ना तुम? यार ठीक है। काय ड्राइवर का काय है, झटका ड्राइवर ही है। थैंक्स टू सॉरी। ओए पिड़ू अब क्या पूरे रास्ते ताना मारते रहेगा? बगला मन कसे चालो तो तू। ओए नासिर भाई जरा संभाल के यार। वाह बहुत बढ़िया, थैंक यू गोली। और कुछ ऐसा दिखे तो रोक लेना बेटा। ए बाबा ए काय कमी है का तो आजा प्लेड़े तू। टप्पू सेना मैं क्या कह रही हूँ, अभी रिसोर्ट पहुंचने में टाइम है तो क्यों ना कुछ धमाल मचाते हैं, कोई गेम वेम खेलते हैं। तो गांव वालों अंताक्षरी खेलते हैं। नहीं गोली, अंताक्षरी तो हम हमेशा खेलते हैं, इस बार कुछ नया और डिफरेंट ट्राई करते हैं। हाँ बेबी कुछ नया सोचो, समथिंग इनोवेटिव। हाँ कुछ डिफरेंट सोचते। अरे हमारे जमाने में हम जब खेलते थे ना तो ऐसे नए 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 खेल इन्वेंट करते थे। अरे भिड़े मास्टर तुम कहाँ अपने जमाने में पहुंच गए। ओए पिड़ू तेरे जमाने के गेम अब नहीं चलेंगे। हाँ अरे भाई चल भी जाए एक बार तो, इस जमाने के बच्चे बैठे हैं ना उनको सोचने देते हैं गेम, तुम सोचो बेटा। टप्पू सेना तुम बताओ क्या खेले। आइडिया, एक काम करते हैं, हम हमारे देश के शहरों के नाम की अंताक्षरी खेलते हैं। वाह क्या आइडिया है सोनू। अच्छा हम इसमें एक एडिशन करते हैं कि हम जिस शहर का नाम लेंगे हमें उस शहर के साथ उस शहर के सबसे फेमस चीज के बारे में भी बताना पड़ेगा। गुड गुड गुड, लवली थॉट। थैंक यू सोनू।
दोस्तों आप कहेंगे कि लेखक इतना समझदार आदमी, तारक मेहता बच्चा हो गया, दीवाना हो गया। जी हाँ, मैं हो गया हूँ दीवाना, इस सफर का, घूमने फिरने का दीवाना, अपनों के साथ मौज मस्ती का दीवाना। भाई हमारे सारे अपने लोग निकल पड़े रंग तरंग रिसोर्ट की ओर, और ये सफर प्रारंभ हो चुका है, और सफर में मौज मस्ती का सफर भी प्रारंभ हो चुका है। आप लोग भी जब अपनों के साथ घूमने जाते होंगे तो मौज मस्ती करते होंगे, गाने गाते होंगे, धमाल करते होंगे। हम भी इस वक्त यही कर रहे हैं, और इस सफर में भी तो बहुत कुछ होने वाला है। एक्शन होगा, रोमांच होगा, कॉमेडी होगी, चैलेंज होगा, बहुत कुछ होगा। मित्रों ये बस कहाँ जाएगी, इसका मोड़ तय करता है स्टीयरिंग, और हमारी जिंदगी का मोड़ तय करता है हमारा भाग्य। हमारे भाग्य का स्टीयरिंग हमें कहाँ ले जाएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि इस सफर में जो आनंद है, जो मस्ती है, जारी रहेगी, और आप भी हमारे साथ ये सफर करेंगे। हंसी का सफर, ठाकों का सफर, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.